प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जन औषधि योजना को बताया मेडिसिन रिवॉल्यूशन। दिलीप घोष ने पार्टी नेताओं को दिया करारा जवाब, कहा जिम्मेदारियों से भागने वाले भाजपा नेतृत्व पर उठा रहे सवाल। भाषा विवाद पर कांग्रेस प्रभारी ने हेमंत सरकार को दी नसीहत, बोले इसका राजनीतिकरण ठीक नहीं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आक्रामक होगी भाजपा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संभाला मोर्चा। रूसी हमले के बीच राहत भरी खबर, इस माह होगा देश में सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का ट्रायल। फिलिस्तीन में भारतीय राजदूत मुकुल आर्य का निधन, दूतावास में मिला शव, विदेश मंत्री ने जताया शोक। शांति की चर्चा के बीच यूक्रेन पर हमले की मार नहीं माने पुतिन, 16,000 अमेरिकी नागरिकों ने भी उठाए हथियार। ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाए गए 16,000 भारतीय, 26 टन पहुंचाई गई राहत सामग्री। गोलाबारी के बीच सुमी में फंसे 700 भारतीय छात्र, निकालने की कोशिश जारी। श्रीनगर के बाजार में आतंकियों ने ग्रेनेड से किया हमला, एक नागरिक की मौत, 20 से ज्यादा घायल। वयस्कों में बूस्टर डोज के रूप में कोवैक्स के तीसरे चरण के ट्रायल की अनुमति की सिफारिश। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले मोदी, कोरोना वैक्सीन से भारत ने दुनिया को दिखाया अपना सामर्थ्य। पुडुचेरी में रॉक बीच पर मशहूर घाट ऊंची लहरों के कारण ढहा, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गहरा दबाव रहा इनकी वजह। नबीनगर थर्मल प्लांट के तीसरे यूनिट का सफल ट्रायल, बिहार के एनटीपीसी से मिलेगी ज्यादा बिजली। बिहार भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए तय किए प्रत्याशियों के नाम, 3 सीटों पर नए चेहरे की उम्मीद। वाराणसी में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी से मतदान प्रभावित, मऊ के मधुबन में मतदान का बहिष्कार। मेरठ में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर का फेसबुक अकाउंट हैक कर रहे मांग रुपए, साइबर सेल ने शुरू की जांच। बुलंदशहर में खाना बनाने के दौरान छात्रावास में फटा सिलेंडर, आग से 13 छात्र झुलसे। सातवें चरण के चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी गुड्डू जमाली दागी, उम्मीदवारों में विजय मिश्र सबसे आगे। मुजफ्फरनगर में गंग ने
राजी लोग। अयोध्या के जयप्रकाश ने रचा इतिहास, लिफाफे बेचकर की ट्रेनिंग मास्टर एथलीट में जीता स्वर्ण पदक। लखीमपुर में अनियंत्रित कार खाई में पलटी, परिवार के तीन लोगों की मौके पर मौत, दो की हालत गंभीर। सरिया की बढ़ती कीमतों ने भवन निर्माण पर लगाया रोक, 15 दिन प्रति टन करीब 10,000 का उछाल। लखनऊ में पति पत्नी और वो के चक्कर में हत्या, भाई ने कहा बहन को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। लखनऊ के अबू हुबैदा ने पैरा बैडमिंटन में जीता कांस्य, स्पेन में दिखाया जलवा। जौनपुर में पीठासीन अधिकारी पर मतदान प्रभावित करने का आरोप, उप जिलाधिकारी ने कहा नहीं हुई कोई गड़बड़ी। सोनभद्र में ईवीएम ने कई केंद्रों पर दिया धोखा, देर से शुरू हुई मतदान। वाराणसी में कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की शिकायत, अभद्र आचरण पर कर्मी ड्यूटी से मुक्त। कुंडा का अजीबो गरीब मामला, रिटायर्ड शिक्षक ने कहा मैं जिंदा हूं साहब लेकिन मुझे मृत दिखा दिया। नोटिस होगी जारी, 10 साल से टैक्स जमा नहीं कर रहे प्रयागराज के 50,000 मकान मालिक। यूपी पैरा तैराकी टीम में प्रयागराज जिले के 4 खिलाड़ी शामिल, 8 खिलाड़ियों का हुआ है चयन। यूपी के मंत्री नंदी ने सपा पर कसा तंज, किया ट्वीट रस्सी चल लेकिन ऐठन नहीं गई। अखिलेश यादव ने छात्रों की भीड़ पर किया ट्वीट, बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों पर पहुंचे छात्रों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में लगाए नारे। चंदौली में मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों का हमला, 2 दर्जन लोग घायल। सीएम योगी की मतदाताओं से अपील, आपका एक वोट यूपी को माफियावादियों और दंगावादियों से बचाएगा। वाराणसी में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लगाया ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप। मुलायम की बहू अपर्णा यादव बोली जनता अखिलेश यादव की पार्टी को दे मुंह तोड़ जवाब। प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा मतगणना पर ठीक से निगरानी रखें। देवरिया में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़, श्रद्धालुओं ने नंद गोपाल को पिलाया दूध। अलीगढ़ में दुष्कर्म के बाद की बच्ची की हत्या, पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में।
गाजियाबाद तमंचे के बल पर दिया लूट की घटना को अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायबरेली में ट्रैक्टर की चपेट में आया बाइक सवार दंपति, टक्कर में महिला की मौत, मौके पर हुई मौत। शर्मसार चौकी चार्ज का नया कारनामा आया सामने, समुदाय विशेष के दबंगों ने युवक पर किया हमला। फतेहपुर में दो पक्षों में हुई हिंसक झड़प, पुलिस के सामने हुई हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। श्रावस्ती में हुआ सड़क हादसा, मवेशी से टकराकर घायल हुए बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने घायलों को कराया भर्ती। चकराता में जाली करेंसी के साथ महिला समेत दो गिरफ्तार, महिला नकली नोट से कर रही थी खरीदारी। युवा जागृति मंच ने किया निराहार सत्याग्रह, स्मैक के खिलाफ किया सत्याग्रह। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में डाला डेरा, मतगणना के बाद संभावित स्थिति को लेकर केंद्रीय नेताओं से कर रहे मंथन। विश्व कप में देहरादून की स्नेहा राणा ने पाकिस्तान के खिलाफ मचाया धमाल। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे दून, चुनाव परिणाम को लेकर सीएम सहित बड़े नेताओं से की मीटिंग। राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल बोले, परिणाम से पहले ही हार मान चुकी है कांग्रेस, नेता कर रहे बेवजह की बयानबाजी। देहरादून में छाने लगा होली का खुमार, खड़ी और बैठकी होली में खूब उड़ा रहे अबीर और गुलाल। चारधाम यात्रा का सर्वे कराएगा परिवहन विभाग, दुर्घटना संभावित स्थलों को चिन्हित कर दिया जाएगा दुरुस्त। देहरादून में मोबाइल लूट की दो घटनाओं का पर्दाफाश, तीन गिरफ्तार। रुद्रपुर में विवाह समारोह चाकू घोप कर रामपुर के युवक की हत्या। रुद्रपुर में डीजे बंद कराने पर बवाल, पुलिसकर्मियों पर पथराव, दो लोग हुए घायल। नैनीताल बुकिंग पर आए एक टैक्सी मालिक की दर्दनाक हत्या, जंगल में फेंका शव। सितारगंज में बस पलटने से 15 घायल, चालक की लापरवाही, यात्रियों की जान पर पड़ी भारी। भाजपा विधायक बद्रीनाथ, विधायक महेंद्र भट्ट का दावा, सनसनीखेज दावा, बढ़ सकती है कांग्रेस की परेशानी। उत्तराखंड में भूस्खलन, रुद्रप्रयाग में झालीमठ में मकान, जमीदोष खतरा देख लोगों ने भागकर बचाई जान। अमेरिका और पोलैंड के बीच बड़ी डील, यूक्रेन को रूस से युद्ध के लिए मिलेंगे लड़ाकू विमान।
सरकार को गिराने के लिए विपक्ष ने झोंकी ताकत, अविश्वास प्रस्ताव से पहले सांसदों को विदेश न जाने की चेतावनी। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भरी उड़ान, वहां की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, ज्वाइंट बेस किया गया सील। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने रूसी राष्ट्रपति से की बात, एर्दोगन ने पुतिन से की युद्ध खत्म करने की अपील। यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा पर पुतिन त्रिपक्षीय वार्ता के लिए राजी, कहा किसी तीसरे देश में आयोजित हो बैठक। सीरिया में सेना की बस पर आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, 13 सैनिकों की मौत। युद्ध के 12वें दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के युद्ध विराम की घोषणा की। जापान ने अपने नागरिकों को रूस जाने से मना किया, चेतावनी देते हुए कहा रूस गए तो बढ़ जाएगा खतरा। यूक्रेन का बड़ा दावा, रूस के दो बड़े अफसर मारे गए, कहे रूसी टैंक की भी तबाह। संघर्ष ने ब्रेट कूट की कीमतों में लगाई आग, $140 के करीब पहुंचा। पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी यह लड़ाई, गहराएगा खाद्य संकट, आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की मार। ऑयल ने लगाई सोने में आग, 18 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा गोल्ड, खरीदने में छूट गए पसीने। टाटा कॉइन के निवेशकों को कर दिया मालामाल, 24 घंटे में 12,000% से ज्यादा तगड़ा मुनाफा। एक्सपोर्ट ने जताई आशंका, अगले वित्त वर्ष तक के लिए टल सकता है LIC का IPO। शेयर मार्केट में आए नए निवेशकों के जिम रोजर्स की सलाह, गिरावट वाले बाजार को सीखने का सही समय। ऑटो इंडस्ट्री बिजनेस में महिलाएं दे रही बराबरी की टक्कर, डिजाइन से लेकर निर्माण तक में आगे। फिर बढ़ेगी महंगाई, GST काउंसलिंग, मिनिमम टैक्स रेट बढ़ा सकती है स्लैब, 5% से बढ़ाकर 8% तक करने का आ सकता है प्रस्ताव। मोटोकॉर्प के ई स्कूटर की लॉन्चिंग, टली कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर जुलाई में लॉन्च होगा, ओला TVS बजाज से सीधा मुकाबला। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार एक साथ दे सकती है 18 महीने का DA एरियर। हाली में खेली नाबाद 175 रन की पारी, रविंद्र जडेजा की सर्वश्रेष्ठ पारी क्यों नहीं थी, गौतम गंभीर ने बताया कारण। फॉन को याद कर रो पड़े पोंटिंग, बोले शेन मेरे जीवन का अहम हिस्सा थे, मेरे जिगर नहीं रहा।
श्रेयस अय्यर के साथ होगी। रोहित शर्मा ने टेस्ट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने वाले आर अश्विन को सर्वकालीन महान खिलाड़ी बताया। वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने पाकिस्तान को हराया। दो महान खिलाड़ियों का एक साथ जाना हैरान करने वाला, सुनील गावस्कर ने दिया ये बयान। और कप्तान डेब्यू टेस्ट में रोहित शर्मा का दमदार प्रदर्शन, श्रीलंका को पारी और 222 रन से हराया। मोहाली में विराट का क्रेजी फैन पोस्टर पर लिखा, जब तक विराट 71वां शतक नहीं बनाएंगे तब तक नहीं करूंगा शादी। स्पोर्ट्स एंकर मंदिरा बेदी ने 19 साल बाद क्रिकेटर्स पर लगाए गंभीर आरोप, सवालों के घेरे में आया क्रिकेट जगत। क्रिकेट फैंस का सबसे बड़ा इंतजार हुआ खत्म, आईपीएल 2022 का पूरा शेड्यूल आया सामने। पूजा का नया सॉन्ग मुझे नहीं जाना स्कूल रिलीज, लोग बोले अब निकलेगा कानों से खून। निमकी मुखिया फेम गुरुंग ने हल्दी सेरेमनी में दोस्तों के संग मस्ती, वायरल हुआ फोटोज। सूद के साथ टूटा दिव्या अग्रवाल का रिश्ता, ब्रेकअप पर बोली, जिंदगी एक सर्कस है। बड़े पर्दे पर वापसी के लिए तैयार बिपाशा बासु, इस साल करेंगी अपनी नई प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट। बेटी ने क्या खुलासा, बोली, छोटे बालों की वजह से होने लगे थे नेगेटिव रोल ऑफर। पठान के शूट के लिए गई दीपिका पादुकोण ने शेयर की स्पेन की खूबसूरत तस्वीरें। सारेगामापा 2022 सीजन की विजेता बनी लीलांजना, चमचमाती ट्रॉफी के साथ मिला इतने लाख का चेक। इकहत्तर साल की उम्र में नशीरुद्दीन शाह हुए ओनोमैटोमेनिया बीमारी का शिकार, कहा मैं आराम से सो भी नहीं पाता। खेमू के साथ बीच सड़क पर लापरवाही, शख्स ने की गाली गलौज, सोहा और बेटी के सामने दी गाली। फिल्ममेकर लीजू कृष्णा रेप के आरोप में गिरफ्तार, लीजू की अपकमिंग फिल्म पटावेट है। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।